नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है और भारत कई संस्कृतियों का समागम है। सभी संस्कृतियों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उन्हें निभाने के तरीके भी अलग अलग हैं। इसलिए भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। एक से अधिक कैलेंडर भी हमारे देश में मौजूद है। रमजान भी इन परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग है जो इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में इस महीने को परम पवित्र माना गया है। रमजान के महीने में सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी खाने की परंपरा है और फिर शाम को सूरज ढलने के बाद एक तय समय पर इफ्तार किया जाता है। इस बीच किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करना या फिर पानी पीने की सख्त मनाही होती है। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के लोग 30 दिनों तक रोजे रखते हैं और इस दौरान रोजा रखने वालों को इस महीने में खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह भी दी जाती है। रोजे के समय दिन में कुछ भी खाना पीना नहीं किया जाता है और रोजे में इफ्तार और सहरी के बीच के समय में ही खान पान किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप रमजान के महीने में गर्मी को मात देते हुए बच सकते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या से। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको खाने में संतुलन रखने की बहुत जरूरत है। रमजान में उपवास खोलने के दौरान आप ऐसा भोजन खाएं जिससे पचाने में समय ना लगे और वो धीरे धीरे दिन भर आपको एनर्जी देता रहे। सब्जियां, मसूर की दाल, साबुत अनाज और अंजीर के फल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरी नींद लेने की जरूरत है। रमजान के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। पानी की कमी से खुद के शरीर को बचाएं और इसके लिए आपको भाग दौड़ वाले कामों से भी खुद को दूर रखना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए। रमजान के दिनों में आपने देखा होगा काफी ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे में आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजा खोलते समय 8 गिलास पानी जरूर पिएं। साथ ही खाने में आप दूध और फलों के जूस और सब्जियों को शामिल करें। रमजान के दौरान आपको कॉफी, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हल्की एक्सरसाइज जरूर करें और रमजान में फास्ट के बहाने आपको एक्सरसाइज करने से बचना नहीं चाहिए। आपको योगा या ऐसी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जो शरीर को तनाव से दूर रखे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। आप सभी को फर्स्ट बाइट की तरफ से रमजान मुबारक।